खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अगली खबर जो वित्तीय मदद सरकार को दी गई है आरबीआई के द्वारा, उससे जुड़ी हुई। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 2G घोटाले की रकम 1,76,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। अब एक बार फिर इसी रकम पर चर्चा गर्म है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए। दरअसल कल आरबीआई ने सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर करने का ऐलान किया। आरबीआई बोर्ड की बैठक में जालान समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार को बड़ी आर्थिक मदद देने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस का आरोप कुछ और ही है। कांग्रेस ने 1,76,000 करोड़ रुपए को चोरी करार दिया है। आर्थिक संकट की आहट के बीच आरबीआई से मिली यह मदद सरकार के लिए संजीवनी की तरह है, लेकिन कांग्रेस को इसमें खोट नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 2019 के बजट में जितनी रकम की घोषणाएं गायब थी, ठीक उतनी ही रकम आरबीआई अब सरकार को दे रहा है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि बजट में 1,76,000 करोड़ रुपए का जिक्र क्यों नहीं। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने है। आरबीआई द्वारा सरकार को दिया गया 1,76,000 करोड़ रुपए वही है जो बजट 2019 की घोषणा से गायब था। वो पैसा कहां खर्च किया गया, ये बजट से क्यों गायब था, ये सवाल कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। सरकार के ऊपर हमलावर हुआ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो एक कदम आगे बढ़ गए, कहा कि ये आरबीआई के पैसे की चोरी है। उन्होंने सरकार को दिए गए पैकेज की तुलना बैंडिट से कर डाली। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि वो अपने बनाए आर्थिक संकट से कैसे निपटें। आगे वो लिखते हैं, आरबीआई से चोरी काम नहीं आने वाली, ठीक वैसे ही जैसे कि डिस्पेंसरी से बैंडेड चोरी कर गोली के जख्म पर लगाने जैसा है। तो राहुल गांधी हमलावर हुए और राहुल गांधी का यह कहना है कि जो वित्त मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो वित्तीय संकट खड़ा किया है उससे वो जूझ नहीं पा रहे हैं। आरबीआई ने दूसरी तरफ 1,76,000 करोड़ रुपए सरकार को सैंक्शन किए हैं। सरकार का कहना है कि इससे विकास के रास्ते खुलेंगे, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि जो वित्तीय संकट एनडीए सरकार के द्वारा खड़ा किया गया उससे अब वो जूझ नहीं पा रही है और इसीलिए आरबीआई से ये रिजर्व का पैसा निकालना पड़ा। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हमसे जुड़ रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वित्तीय संकट आप ही की सरकार के द्वारा खड़ा किया गया, आप उससे जूझने में समर्थ नहीं है और इसीलिए आरबीआई को ये मदद आपको करनी पड़ रही है। मैं इस विषय पर दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला कि आरबीआई का जो निर्णय है उसके संदर्भ में, ये निर्णय जो आरबीआई ने लिया है ये बकायदा एक कमिटी बनी थी बिमल जलान के अध्यक्षता में, जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और उनके आदेशानुसार, उनकी कमिटी के सजेशंस के अनुसार ये जो सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड यानी जो आरबीआई की रिक्वायरमेंट से अधिक था वो सरकार को दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस देश की आम जनता का पैसा है। ये आरबीआई में रहे या जनता के काम के लिए लगाया जाए, इसका निर्णय भारत सरकार और आरबीआई जो स्वायत्त संस्था है वो दोनों मिलकर कर सकते हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि आरबीआई ने डिविडेंड दिया है। आरबीआई सरकार को डिविडेंड हर साल देती है और इस साल उन्होंने ये जो सरप्लस है, जो बकायदा एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो आरबीआई का तैयार हुआ है उसके आधार पर दिया गया है। तो ये कहना कि सरकार ने चोरी करी, सरकार ने आरबीआई का पैसा ले लिया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अपरिपक्वता को दिखाता है। दूसरा विषय, बार बार ये आर्थिक मंदी की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले क्वार्टर में हमारे देश की जो आईटी कंपनियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां दी। हमारे देश में स्मार्टफोन की खपत 10% बढ़ चुकी है
उसी तरीके से अमेजोन जैसी कंपनियों ने हैदराबाद में सिर्फ एक लोकेशन पे इतनी बड़ी फैसिलिटी लगाई है जहां पे 15,000 लोगों को वो नौकरियां देंगे। जी तो अमित जी आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अब आरबीआई ने ये जो मदद करी है वो सरप्लस पैसे से की है, इकोनॉमिक कैपिटल सरप्लस जो मनी था आरबीआई के पास उसने वो दे रही है वो सरकार को विकास करने के लिए, आम जनता को आगे बढ़ाने के लिए।